मैक्सिमम लोग स्मार्ट टीवीज के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। दो वन प्लस के टीवीज मैंने सिलेक्ट किए हैं, सो इन दोनों के बीच में तो शायद कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो आज का मुकाबला होने वाला है वन प्लस वाई वन एस एंड वन प्लस वाई वन एस प्रो के बीच में, और दोनों ही 43 इंचेस के टीवीज हैं। अब देखना यह है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसका पंच है सॉलिड। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना, और इन दोनों ही टीवीज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों ही टीवीज में क्या सेम है। दोनों ही स्मार्ट एंड्रॉइड टीवीज हैं, दोनों में से कोई सा भी ओनली स्मार्ट टीवी नहीं है। दैट मीन्स काफी सारे एप्लीकेशंस तो इसमें इनबिल्ट रहेंगे, उसके अलावा प्ले स्टोर भी रहेगा, तो कुछ और भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड दोनों में ही यूएसबी पोर्ट्स दो दो ही मिलेंगे। एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है, डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट करते हैं, इथरनेट का भी ऑप्शन है, इसके अलावा रिमोट भी सेम है। वैसे इनका रिमोट ना काफी प्रीमियम सी फील देता है। गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा दोनों का ही सपोर्ट है। इसके अलावा वन प्लस यूजर हो, वन प्लस के गैजेट्स यूज करते हो, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉचेस, तो इसे अपने टीवी से बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ये चीज वन प्लस में थोड़ी अच्छी मिल जाती है। दोनों ही टीवीज बेजल लेस डिजाइन के साथ आते हैं। 8 मिलीसेकंड्स रिस्पांस टाइम, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज, सो यहां तक काफी सिमिलर हैं दोनों ही टीवीज। बट खेल शुरू होता है अब। चलो पहले बात करते हैं वन प्लस वाई वन एस प्रो की, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों ही टीवीज के बीच में है डिस्प्ले क्वालिटी का। वन प्लस वाई वन एस ओनली एक फुल HD टीवी है, रिजोल्यूशन कम है, पिक्सल्स कम है, बट वाई वन एस प्रो एक 4K टीवी है, मोर पिक्सल्स मोर क्वालिटी। इसके अलावा एक HDMI पोर्ट यहाँ पर ज्यादा है। अगर आपके HDMI पोर्ट काम आता है तो ये आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, मिठाई खिला देना। और इसकी डिस्प्ले में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज की गई है। डिस्प्ले क्वालिटी बेटर है नो डाउट, पिक्सल्स ज्यादा है सो बेटर तो होनी ही है। इसके अलावा 10 बिट का पैनल है, 1 बिलियन कलर्स ये सपोर्ट करता है। गामा इंजन भी इन्होंने यूज किया है विथ MEMC टेक्नोलॉजी। सो ओवरऑल टेक्नोलॉजी हमारे वन प्लस वाई वन एस में भी यूज की गई थी, बट उससे थोड़ा ज्यादा बेटर मैं कहूंगा वन प्लस वाई वन एस प्रो। ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी मुझे इसकी ज्यादा बेटर लगी है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सो इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, सिमिलर से ही फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा डिजाइन का थोड़ा सा डिफरेंस है, वन प्लस वाई वन एस प्रो थोड़ा सा मोटा लग सकता है, बाकी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और हाँ, साउंड की भी बात कर लेते हैं। डिस्प्ले की बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 24 वाट्स के स्पीकर्स हैं, तो यहाँ पर ओनली 20 वाट्स के, बट ये तो हो गया ऑन पेपर। रियल टेस्टिंग की बात करें तो भाई Y1S Pro की डिस्प्ले क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी दोनों ही मुझे कमाल की लगी है, बट साउंड क्वालिटी के मामले में Y1S भी पीछे नहीं है। काफी ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस यहाँ पर भी मिल जाता है, बट हाँ थोड़े से ज्यादा लाउड स्पीकर्स मिलेंगे Y1S Pro में, लाउड एंड क्लियर। सो ओवरऑल ये कुछ ही डिफरेंस है दोनों ही टीवीज के बीच में, बट ये डिफरेंस मामूली नहीं है, बहुत ज्यादा मायने रखती है वो सबसे ज्यादा डिस्प्ले क्वालिटी। और लास्ट में बता देता हूँ इनकी प्राइस। ओवरऑल वन प्लस वाई वन एस प्रो की डिस्प्ले क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी दोनों ही ज्यादा बेटर है बिल्कुल इसकी प्राइस की तरह। जी हाँ, प्राइस को अंडर एस्टिमेट मत करना, दोनों की प्राइस में अराउंड 5000 रुपीज का डिफरेंस है, तो अगर ज्यादा बेटर क्वालिटी चाहिए तो 5000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और अगर फॉर्मेलिटी के लिए किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो फिर वन प्लस वाई वन एस भी ले सकते हो, अदरवाइज मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वन प्लस वाई वन एस प्रो एक अच्छा टीवी है, इसे कंसीडर कर सकते हो। वैसे मैं 43 इंच के टीवीज पर डेडिकेटेड वीडियोस बनाने वाला हूं, आई होप पसंद आएगी। चलो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना, और हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों ही टीवीज का, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, कोई ऑफर हो तो टूट पड़ो। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।